please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आम्रपाली के सभी प्रोजेक्ट के घर खरीदारों ने नेफोवा के पदाधिकारियों के साथ बिशरक थाने पहुंचकर सैकड़ों की संख्या में आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ FIR दर्ज कराई। फ्लैट खरीदारों में आम्रपाली के सेंचुरियन पार्क, ड्रीम वैली, गोल्फ होम्स, वेरोना हाइट्स, लेजर पार्क इत्यादि प्रोजेक्ट से लोग शामिल हुए। देखिए, आज आम्रपाली की करीब सैकड़ों बायर्स यहाँ पर आए हुए हैं, जो हम लोगों ने पहले भी कंप्लेन SSP ऑफिस में दे रखा था। मिनिस्टर्स के यहाँ हम लोग गए थे, मुख्यमंत्री जी के पास गए थे FIR दर्ज कराने के लिए, तो उस समय हुई नहीं थी। जब लास्ट टाइम जब हमारी मीटिंग ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में मिनिस्टर के साथ हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप FIR दर्ज होगी। उसी संदर्भ में आज सैकड़ों की संख्या में बायर्स जुड़े हैं जो अपनी FIR दर्ज करवा रहे हैं। सभी ने 2010-11 में इन प्रोजेक्ट में घर बुक कराए थे। लगभग 90% पेमेंट वो कर चुके हैं। 2013-14 में बिल्डर ने घर देने का वादा किया, लेकिन तमाम प्रोजेक्ट में काम अधर में लटके हुए हैं। 2011 से अब तक लगभग 6 वर्ष से अधिक समय का बीत चुका है। डेवलपर ने अभी तक हमें पोजेशन नहीं दिया है। हमने प्रोजेक्टर से नंबर ऑफ टाइम्स रिक्वेस्ट किया पोजेशन देने के लिए, लेकिन अभी तक कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला है। हमने 23 लाख रुपये डेवलपर के पास जमा करा दिए हैं, जो कि 90% राशि ऑलरेडी उनके पास डिपॉजिट हो चुकी है। आज आप किस संबंध में आए? आज हम बिशरक थाने में FIR लॉन्च कराने के लिए आए। आम्रपाली के हर प्रोजेक्ट के तमाम बायर के साथ धोखा हुआ है और आज घर खरीददार पूरा पैसा और सरकार को टैक्स देकर भी सड़क पर हैं। घर की मांग को लेकर बायर्स परेशान हैं। वहीं योगी सरकार 3 महीने के अंदर 50,000 फ्लैट देने का वादा कर रही है। आज आम्रपाली होम बायर्स ने बिशरक थाने में अनिल शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। बायर्स का कहना है कि वो परेशान हैं और इन जो लॉलीपॉप सरकार दे रही है वो इनके बस में नहीं आने वाले। उनको चाहिए सिर्फ घर, और अगर अनिल शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती वो अपनी जान तक देने को तैयार हैं। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन कब तक अनिल शर्मा की गिरफ्तारी कर पाता है और शासन प्रशासन इन लोगों की पुकार कब तक सुनता है। रियलिटी मीडिया के लिए शिवम तनेजा की रिपोर्ट।